हय्या अलल सामने सूरत हदीद की आज नंबर 25 है एक टुकड़ा की तिलावत में। आज इंशाअल्लाह हम खुल्फा-ए-राशिदीन सीरीज़ में जो सिलसिलेवार जारी है उसका 9वां एपिसोड हम लोग जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये दौर जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 या 71 ईस्वी में हुई। फिर 40 साल के बाद नबूवत का इजहार हुआ, ऐलान हुआ 610 में, और 12 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू महीने की लाश से 13 साल तक मक्के में दावत का काम किए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। बिलाखिर मजबूर होकर के हिजरत करनी पड़ी, हिजरत है मदीना 622। उसके बाद जो है जंगों का एक सिलसिला शुरू हो गया, और जंग-ए-बदर, जंग-ए-उहद, जंग-ए-खंदक, उसके बाद सुलह-ए-हुदैबिया, उसके बाद जब फ़तः मक्का, उसके बाद हुनैन, अरतबून, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले। लेकिन दीन के गलबे का सिलसिला जो है रुका नहीं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, और 2 साल 3 महीना उनको मौका मिला समझने की ज़िंदगी ने वफ़ा की। अब उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम अंजाम, ख़ास तौर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो है एक तूफ़ान बर्पा हो गया था मुरतदीन का। लोग मुरतद होने लगे, कुछ लोग नबूवत का दावा कर बैठे, कुछ लोग जो है ज़कात देने से मना करने लगे। ऐसा लगता था कि पूरा जजीर नमा आरब बगावत कर दिया है और इस्लाम जब मक्का मदीना में सुकड़ के रह गया। लेकिन उन्होंने सबको जो है बिल्कुल सख्ती से निपटा, और फिर जो है पूरे जजीर नमा आरब को जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था वैसे ही कंसोलिडेट करके जो है फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो था उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ही वो था कि ऊपर जो है जजीरे नुमा अरब के ऊपर जो है 2 बड़ी ताकतें, बल्कि 2 अंपायर, राइट साइड में पर्शियन अंपायर और लेफ्ट साइड में रोमन अंपायर, और ये दोनों जो है हज़ार साल पुराने। अब इन दोनों के जब तक जो जुल्म को ख़त्म नहीं किया जाता इस्लाम की रोशनी आगे नहीं बढ़नी, इस्लाम के फैसलों फ़ायदा नहीं उठा पाते। लिहाजा ये चैलेंज जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वक्त और हालात के चैलेंज उनको कबूल किया, और उन्होंने आगाज़ किया इराक़ से। उस ज़माने में इराक़ जो था वो पर्शियन अंपायर के कंट्रोल में था, और शाम जो था वो रोमन अंपायर के कंट्रोल में था। और रोमन अंपायर में जो शाम जो था, तो शाम से मुराद 5 ममालिक आज के ज़माने के, यानी जो शाम सीरिया है वो, लेबनान, फिर जो है फ़लस्तीन, इसराइल और जॉर्डन, ये सब मिला करके शाम कहलाता था, लेवांट कहलाता था। और इधर इराक़ जो है ये पर्शियन अंपायर है। तो अब यहाँ से जो ये शाम अरब और ये इराक़ के अरब। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हम जानते हैं कि मक्का यहाँ है, मदीना यहाँ है, जहाँ से जो है शुरू हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक साइजेबल तादाद में जो है फौज दे करके भेजे, और ये फरात के किनारे किनारे सारे शहर फतेह करे। और जैसे ही यहाँ पर कामयाबी मिली इराक़ में, अभी ईरान तो इधर है लेकिन ये ईरान के अंडर ही में था, लिहाजा पूरा फतेह कर, और ये समझिए कि पूरा सहरा ही सहरा। असल आबादी जो थी वो दजला फरात के किनारे किनारे इधर फतेह हुई। जैसे ही कामयाबी मिली कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर शाम की तरफ भी मुहिम रवाना, और 4 लश्कर तैयार करके 4 सालारों के ज़िम्मा दिए कि एक फ़लस्तीन चले जाइए, यज़ीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, एक को कहा उन्होंने कि उर्दुन चले जाइए, हजरत शुरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और एक को बोले कि दमिश्क चले जाइए और एक को बोले कि हम चले जाइए। ये फ़लस्तीन जो है बोले हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला, और दमिश्क बोले यज़ीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह, और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला ने बोले कि आप हम्स चले जाइए। लेकिन वहाँ पे कैसर जो था वो बहुत बड़ी बहुत बड़ा लश्कर लेकर के आ गया, लिहाजा सब लोग जो है पीछे हटे और सोचे कि यहाँ पर जो है एक जंग होगी, यहाँ पे जो है यरमूक के जगह पे मैदान में जो है नदी के किनारे एक जंग हुई, जो पिछले हफ्ते जो है हम लोग तफसील से पढ़ चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें जो है शानदार कामयाबी अता की। अब यकीन की बात है यरमूक जो है वो शहर नहीं था, वो ग्राउंड था, जैसे पानीपत की जंग, पहली जंग, दूसरी जंग, तीसरी जंग, ये ग्राउंड है। लिहाजा इसको जीतने का मतलब यह है कि आप दुश्मन से भारी हैं और दुश्मन के मुकाबले में ताकतवर है, लेकिन असल मसला तो शहरों को फतह करना है, मुल्कों को फतह करना है। तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा हुआ, आज से हम इतने देर में रिकैप किए, अब यहाँ से आज का लेक्चर जो शुरू हो गया क्योंकि यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। लेकिन हम जानते हैं कि जंग यरमूक जैसे ही फतह हुई है, वैसे ही जो लेटर आया मदीना से, तो उसमें जो है एक सैड न्यूज़ थी। तो सैड न्यूज़ क्या था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर गए और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे। उन्होंने जो ऑर्डर लिखा उसमें यह था कि ये न्यूज़ बताए, और उसके बाद पहला उन्होंने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया वो ये कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल किया जाता है और शाम के पूरे मुहिम का जो है सिपह सालार आज़म जो है हजरत अबू बकर बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया जाता है। लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा जो है डर था कि कहीं जो है मामला हाथ में रहेगा या निकल जाएगा, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही ईमानदारी का सबूत दिए और उन्होंने कहा हम खुदा के लिए लड़ रहे थे, चाहे अमीर होकर लड़े या माध्यम होकर लड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला ने हौसला बढ़ाए कि आप कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, बल्कि जितनी ताकत पहले लगाते थे उससे ज़्यादा ताकत लगाए। अब यहाँ से जो है क्या हुआ जंग यरमूक के बाद, यह आज का हमारा टॉपिक है, इंशाअल्लाह सिस्टमेटिक जो है समझने की कोशिश करें। हुआ क्या कि यहाँ पर जो मैदान यरमूक में नदी के किनारे जो जंग हुई थी, तो उसमें 2.5 लाख के करीब जो है वो रोमन अंपायर की फौज थी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 1.5 लाख मरी होगी। अब 1-1.5 लाख तो यकीनी बात है वो बच गए थे, तो वो बच के गए किधर? तो वो लोग सब जो है इधर आकर के बिल्कुल अरब के किनारे आकर के हो गए मुकाम फहल जगह का नाम, यहाँ पर आकर के जमा हो गए। उन लोगों का इरादा था कि अब अरब के किनारे ही लड़ाई, सब लोग यहाँ पे जमा हो गए, और असल टारगेट जो मुसलमान को जो था वो रोमन अंपायर का शाम में वो दमिश्क था, जो आज भी कैपिटल है शाम की। तो अब फतह तो इसको करना है, उसके बाद फलस्तीन को करना है, लेकिन फौज यहाँ जमा हो गई है। और फिर रोमन अंपायर जो इधर बैठी हुई थी, यहाँ से एक फौज जो है दमिश्क भी भेज दी, और लेकिन ज़्यादा फौज जो है ये मकाम फहल में उर्दुन जो आज का दौर है यहाँ जमा हो गए। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा तलब किए कि क्या करें, इधर फौज रवाना करें या इधर फौज रवाना करें, यानी यरमूक से ऊपर दमिश्क जाएँ या पहले इस फौज से निपट जाएँ। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उनको मशवरा दिया कि ऐसा करो कि दोनों को साथ में टैग करो, एक फौज जो है यहाँ से यरमूक से जो है यहाँ भेज दो फौज, जो हारे हुई जो फौज है उसको इंगेज करके किसी तरह संभाल के रखो, और तुम जो है खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला को लेकर के दमिश्क पे चढ़ा जाओ, दमिश्क असल टारगेट, ये क्योंकि शाम का यह किला है, शाम का दारुसल्तनत, ये पता हो गया तो समझिए कि तुम्हारे जो पूरे इस एरिया में जो है आप बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मशवरा समझ में आ गया। उन्होंने अपने हिसाब से 4 फौजें तैयार, एक फौज जो है यरमूक से फहल की तरफ भेज दिए, इसका घेराव कर दिया। दूसरी फौज क्या किए तो फलस्तीन के रास्ते पर जो यहाँ पर एक फौज भेज दिए और इन लोगों को इंगेज करके रखे। तीसरी फौज जो है यहाँ को दमिश्क के ऊपर हम्स है, एक फौज इधर से भेज करके यहाँ पे ब्लॉक कर, यानी फलस्तीन से कोई भी जो होगी इधर मदद करे दमिश्क ना से, फहल से कोई जो है दमिश्क ना से, और हम्स से भी कोई फौज दमिश्क ना से, ये तीनों रास्ता को ब्लॉक कर दिए। अब उसके बाद हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना। खालिद बिन वलीद बड़े बड़े सिपह सालारों को साथ में लिए और दमिश्क में चढ़ाई कर दी। दमिश्क में चढ़ाई कर दिए तो जैसे ही कैसर को मालूम हुआ, कैसर अभी हम्स में बैठा हुआ, उसको मालूम हुआ कि मैन सिपह सालार इधर आ रहे हैं, तो दो सिपह सालार को उसने कन्फ्रंट के लिए भेजा कि दमिश्क से पहले इनको रोको। वो दो सिपह सालार का नाम था तूसर और शम्स। ये दोनों का मुकाबला हुआ, एक को जो है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने संभाले और दूसरी फौज को खुद अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला ने। ये जो है इसके बाद जो है दमिश्क का मुहासरा हो गया, जो पिछले हफ्ते मैंने बताया था। और उसके बाद क्या हुआ कि दमिश्क को उन लोगों ने जो है बिल्कुल किला बंद होकर के जो है अपने आप को सेफ्टी कर लिया, लेकिन चारों तरफ से इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी सहाबा के नाम इसको घेर लिए और 70 दिन का मुहासरा जारी था। लेकिन उसके बाद एक गॉड गिफ्ट जो है चांस मिल गया कि वहाँ जो है एक पादरी था, उसके घर में लड़का पैदा हुआ, तो उसकी खुशी में वो लोग जो है इंजॉय कर रहे थे, शराबो कबाब के जो है दौर चल रहे थे। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने समझ गए कि ये आधी रात को ये लोग जो टुन हो जाएंगे, उसके बाद हम चढ़ा कर नहादा वो जो नहर था उसको पार किए और रस्सी की सीढ़ी बनाए और उसके से चढ़ गए और फिर अंदर दाखिल हुए। अब जब ये लोग जो अनएक्सपेक्टेड जो है देखे कि ये दुश्मन घुस आए हैं, तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो खालिद बिन वलीद रजी इधर से घुसे थे और ये लोग इधर से गेट बोल करके इधर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, ये हम लोग सुलह करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन बात है, रात को कैसे नींद खुल गई, चलो। तो अब ये इधर से सुलह करने की नीयत से जो दमिश्क में घुस रहे हैं, खालिद बिन वलीद इधर से जो फतेह के अंदाज में घुस रहे हैं। अब 20 शहर में दोनों फौजें मिल गई। अब खालिद बिन वलीद रजी आगे आगे, उधर अबू उबैदा बिन जर्राह रजी आगे आगे। भाई आप कैसे आ गए, आप कैसे आ गए? मैं तो फतेह करके आया हूँ, गेट खोल के आया, मैं गेट खुलवा के आया। फिर पता चला कि क्या हो, तो फिर जो है कहा गया कि देखिए ये जो सिपह सालार हैं या हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ऐसे भी कोई भी मुसलमान किसी को भी सुलह का जो है दावत दे दे तो उनकी बात मानी जाती है, लिहाजा ये पूरा शहर जो है सुलह के तौर पर फतह माना। अब इसके सुलहनामा लिखा गया कि जितने भी लोगों के पास सोना चांदी वगैरह है करेंसी, उसका 5वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा, एग्री नंबर। तो हर आदमी जो भी है जिसके पास कुछ नहीं है तो सालाना 1 दिनार आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी एग्री। और 1 जरीब यानी 1 गुंटा अगर ज़मीन है तो इतना मीकार में आपको दाना देना पड़ेगा, उन्होंने कहा ये भी है। और नंबर 4, रोमन अंपायर से आपको सास बास तोड़ने पड़ेंगे, और ये नहीं होगा कि आप हमारे अंडर में भी रहें और आप जो उनके साथ दोस्ती और यारी बढ़ाएँ हमको नुकसान पहुँचाने के लिए, ऐसा नहीं। और अगर आपने ऐसा किया यानी ये सारे चीज़ निभा दिए तो आपके जान माल इज्जत आबरू इबादत गाह ये सब महफूज माने जाएंगे, बल्कि हम लोग जान में खेल करके उसको प्रोटेक्शन देंगे। तो उन लोगों ने तैयार हो, इस तरह से जो है दमिश्क फतह हुआ। यहाँ तक हम लोग तकरीबन दमिश्क फतह कर लेते हैं, आज थोड़ा और अच्छा हुआ। इसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि आप किधर, एक बड़ा शहर था हम्स, दूसरा फलस्तीन, तीसरा फहल। फहल में जमा हो गए। फहल में ये लोग जो साहबा किराम आए थे और जो उनको टारगेट दिया गया था कि इनको किसी तरह इंगेज रखना ताकि हम लोग दमिश्क को आसानी से पता करें, तो ये सारे साहबा किराम जो यहाँ पर भी फलस्तीन में भी इनको इंगेज रखने में कामयाब हो गए, हम्स में भी इनको इंगेज रखने में कामयाब हो गए, फहल में भी इनको इंगेज रखने में कामयाब हो गए। अब यहाँ पर यह किला फतह हो गया। तो यहाँ पर जो है यज़ीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु कमांडर बना दिए कि आप दमिश्क को संभालिए और हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टारगेट के। नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है सेंट्रल फोर्स का, तो कहे कि आप फहल को थोड़ा निपट लें, क्योंकि ये सारे फौज यही जमा हो गई है। यहाँ पर जैसे रोक किए कि उन लोगों के कान खड़े हो गए, अरे खालिद बिन वलीद आ रहे हैं, सिपह सालार खुद आ रहे हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। वो लोग डर के हालत खराब, क्योंकि जंग यरमूक में देख ही चुके थे ताकत का क्या। लिहाजा इन लोगों ने क्या किया कि शहर के किनारे किनारे जो नहर थे वो नहर का बांध खोल, बांध खोला तो पूरे शहर के किनारे किनारे पानी ही कीचड़ की जगह। तो आप यकीनी बात है कि यहाँ पर जो सहाबी रसूल जो है घेराव किए हुए थे तो आप वो शहर में एंट्री नहीं ले सकते, लिहाजा लेकिन मोर्चा बना करके बैठ गए। ये सहाबा किराम भी आए तो ये लोग भी जो आकर के इंतजार करने लगे, क्योंकि कीचड़ में जो घोड़ा कैसे दौड़े, लिहाजा बेटन बाज करने लगे, सूख जाए तो सुने तो सुहागा रेगिस्तान की जो है। लेकिन इंतजार कर ही रहे थे कि इसके जो सिपह सालार था जो रूमी के तरफ से जो है लीड कर रहा था, उसको लगा कि जो है ये लोग कई दिनों से पड़े हुए हैं, महीना दो महीना से, तो बस यूज टू हो गए होंगे, अब खा रहे होंगे पी रहे होंगे सो गए होंगे। तो अचानक एक दिन उसने प्लान बनाया कि रात में बड़ी फौज लेकर के जो है किसी तरह शहर से निकलेंगे और जा करके हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टारगेट था सिपह सालार मुसलमान की तरफ से थे, उनका नाम था शुरहबील बिन हसना। वो उनको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने शुरू से नसीहत किए हुए थे कि जब भी सिपह सालार बने तो रात में जागा कीजिए, अपनी फौज को हमेशा रेडी पोजीशन में रखा कीजिए। ये उस उसूल पर बिल्कुल पाबंद थे, लिहाजा वो तो जो उसका जो सिपह सालार था वो समझा कि सो रहे होंगे, लिहाजा उसने धोखा देकर गया, अचानक हमला किया, लेकिन इनको तो रेडी पोजिशन में पाया, लिहाजा खमसान कर पूरी रात लड़ाई, फिर पूरे दिन लड़ाई हो गई। अगले रोज जाकर के रात में जो है उसका सिपह सालार मारा, उसका नाम था सकला। सकला का मुकाबला शुरहबील बिन हसना, जैसे मारा गया तो उसके फौज में जवाब दे गए, अब वो सब भागे भागे तो भागे जाते गाँव, सारे शहर में तो पानी से घेरे हुए हैं, लिहाजा पानी में डूब डूब के मरे और दौड़ रहे थे तो कीचड़ में गिर रहे थे तो तलवार से मारे जा रहे थे। तकरीबन पूरी फौज क्रश हो गई, एक सिवाय इक्का दुक्का के जो भगदड़ उधर में इधर उधर भाग गया, वरना खुद अपना जो गड्ढा खोद देते उसी में गिर करके जो है सारे लोग। तो पहला टारगेट यरमूक के बाद जो है दमिश्क फतह हुआ। वो कैसे हुआ? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो है जो अल्लाह ताला ने सहानत दिया था, कॉन्फिडेंस दिया था, डेयरिंग दिया था उसके हिसाब से, लेकिन वो चुके फतह नहीं हुआ, सुलह हुई। ये फतह सुलह बड़े फर्क है। फतह अगर होती तो वहाँ के सारे औरतें जो है बांधी मानी जाती, और सारे माल गनीमत सारे जो जायदाद माल गनीमत के तौर पर आ जाते हैं, सब चीज़ हो जाती है। लेकिन सुलह हुई है तो सुलह जिन शराय हुई है उतने पर इतफा करनी पड़े, तो इस रहा। उसके बाद फहल का मामला जो था, जो रोमन अंपायर की सारी फौज यरमूक से भाग करके यहाँ जमा हो गई थी और एक बड़ी तादाद में थी, यहाँ तक ये भी फतह हो गया। अब क्या किया जाए? अब अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला ने कहा हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला को कि आप इधर चले जाए फ़लस्तीन की तरफ, क्योंकि आपको पहला टारगेट फ़लस्तीन ही था, फलस्तीन में चले जाइए और ट्राई करते रहिए, अगर छोटी फौज रहे मौका मिल जाए तो फतह भी कर लीजिएगा, नहीं तो कम से कम इंगेज करके रखिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा दूसरा टारगेट लेके जा रहे हैं हम्स का, अब इसको पहले गिरा के आना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे जो था वो हिरकल बैठा हुआ है, ये जब तक नहीं गिरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। लिहाजा इनको दिए कि आप इसको इंगेज रखिए, जब चांस मिले तो फतह भी कर लीजिएगा, बड़ी फौज थी, लिहाजा ये जा करके यहाँ भी इंगेज। हिरकल भी जो है ज्यादा फौज नहीं रवाना किया फलस्तीन की तरफ, और वो तीन जगह फौज जमा किया, एक फलस्तीन में और एक रमला में और एक अजनादीन में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जो खतो किताबत हुई, अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला सोचे कि मैं सरप्राइज में थोड़ा उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला को कि आपके बगैर भी मैं फतह कर लिया, तो उसके लिए वो सोचे कि मैं मदद किससे लूँ, तो डायरेक्ट जो खलीफतुल मुस्लिमीन से मदद लेने लगे कि आप बताइए क्या करूं मैं कैसे करूं। उसमें क्या था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी कोशिश थी कि ये शहर किसी तरह बिना लड़े फतह होना चाहिए, लड़ाई हो लेकिन शहर के बाहर, शहर में लड़ाई ना, शहर वाले ऐसा रोक खा जाए कि वो लोग सुलह का अमान हो। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो है शहर के बाहर जो है अजनादीन में कन्फ्रंट करना, वो लिहाजा प्रैक्टिस में थे कि किसी तरह शहर से बाहर निकलो दो हाथ करो। अब ये इधर अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु हम्स थे, ये दमिश्क में जैसे सुना के जो है हिरकल ने कि हमारी हसीमत हुई है और रास्ते में जो जो छोटे छोटे जो शहर मिलते गए बैतुलमकद्दस वगैरह ये सब उसको फतह करके हम्स का घेराव करें। हम्स का जैसे ही घेराव किए कि हिरकल जो है अंताकिया भाग, ये जो है एशिया माइनर का जो है कैपिटल, और यहाँ से समझिए इधर फिर जो है अलग है और ये इधर अंताकिया है, ये जो आज का तुर्की है। तुर्की का बॉर्डर पे एक बड़ा शहर था जो रोमन अंपायर का एशिया का कैपिटल, और यमन जो था ये शाम का कैपिटल, तो यहाँ आकर के भाग गया। अब ये जो है जैसे चढ़ा गई तो ये लोग जो है किला बंद हो गए। अब किला के बाहर जो है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला ने चारों तरफ से घेर लिए। अब ये लोग आस लगा बैठे थे कि अंताकिया गया है हमारा बादशाह, वहाँ से फौज वगैरह भेजेगा तो लड़ाई करेंगे, लेकिन वो फौज भेज ही नहीं पा रहा। लिहाजा फिलहाल ये लोग भी जो है परेशान होकर के सुलह के लिए तैयार हो गए। अब बोलेंगे कि हम तो सुलह करना चाहते हैं, बताइए शराय। तो एक मॉडल बन गया था कि दमिश्क के सुलह शराय तो तुम भी सुलह कर लो, हमारे जान माल इज़्ज़त आबरू इबादत गाह है सब चीज़ है, हम उसको अपना मान देंगे, उसकी हिफाजत देंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे और उसके बदले में तुमको ये देना पड़ेगा। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कबूल कर लिया। इस लिहाज से हम्स भी फतेह हो गए। हम्स फतेह होने के बाद अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़लस्तीन का फ़लस्तीन आप जो है आप देखिए कितना टारगेट, यरमूक, दमिश्क, फहल, हम्स, फ़लस्तीन। अब फ़लस्तीन आए हैं तो यहाँ पर जो है अजनादीन के जगह पे एक बहुत बड़े कन्फ्रंट, रोमन अंपायर ने अपने सबसे जांबाज जो उसका स्पेशलार था उसका नाम था अरतबून। अरतबून कहते हैं कि ऐसा शख्स जो नहायत ही समझदार हो, नहायत ही गुणवान हो, डेयरिंग बाज हो, उसको बोलते हैं। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला ने कहा कि ये अरतबून आया है, क्या करें? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने घबराने की बात नहीं है, अब रोमन अरतबून का अरबी अरतबून से मुकाबला हो, यानी तुम भी तो समझदार हो, हमारे भी तो जहानत के लोग लोहा मानते हैं, तो तुम इससे निपटो, लेकिन शहर से बाहर ही निपटने की कोशिश करो ताकि शहर जो है बिना लड़े बुढ़े सुलह के तौर पर फतेह हो, ताकि उसकी पूरी चीज़ जो है इंटेक्ट रहे। और हिस्ट्री में जो यूरोप शर्म बहुत बदकिस्मत रहे कि बहुत मरतबा इसमें तबाह बर्बाद किया। तो अजनादीन में जैसे ही अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, इन लोगों के हौसले बुलंद और एक बहुत बड़ा मार्का जो है हुआ, कन्फ्रेंट हुई। उसके बाद जो है कई रोज तक चलती रहे। फिर आखिर जो अरतबून जो है वो भागा, तो भाग के जो है कहीं गया नहीं, वो जो है फ़लस्तीन में जाके घुस गया। तो फ़लस्तीन में जो मुसलमान कमांडर थे उन्होंने भी बाईपास जाने दिया कि चलो ठीक है अंदर जा, मुर्गी जो है खोलने में जा रहे तो पकड़ने में कोई बात नहीं। तो मार के अजनादीन जो है ये तीनों सुपर सलाद जो है जीत लिए। उसके बाद जब फ़लस्तीन का घिराव हुआ, फ़लस्तीन का घेराव किए थे, लेकिन वहाँ भी किला वगैरह जो बहुत मजबूत 45। तो अरतबून को कुछ समझ में नहीं आया, उसने क्या किया कि एक रात जो है चुपके से यहाँ से निकला और भाग करके जो है मिस्र, किसी को बताया उताने अपना कमांडर नहीं थे। अब जब वो लोग जो अपना कमांडर को तलाश रहे थे कि अरतबून किधर गया, तो भाग जो है मिस्र में जाके कह रहा कि मैं इधर आ गया। अब इन लोग हौसले पस्त हो गए। कुछ दिनों तक इंतजार के कि घर से जो है हेरक्ल जो है कुछ दुनिया जो है वहाँ से कुछ फौज वगैरह भेज देगा तो कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन वो भी जो है भेजने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल मायूस होकर के हर जगह तो हार ही रहो, क्या भेजूँ मैं। लिहाजा ये शहर वाले जो है अब सोचने लगे कि अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हथियार डालने पड़ेंगे और जो है सुलह करनी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था, हम लोगों को चाह रहा तो सुलह करना, लेकिन चाह के भी नहीं चाह हो पा रहा। वो मसला क्या, वो उनका मसला ये था कि वो देख रहे थे कि मुसलमान जहाँ भी लड़ रहे हैं, जीत जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है सुलह कर रहे हैं, और दमिश्क के शराइत पर सुलह हो रही है, पहल में भी, फिर ये है हम्स में भी, जो भी छोटे मोटे शहर है सबको दमिश्क एक मॉडल बन गया उसी पर। तो वो चाह रहे थे कि इसी बेस पर हमारा फ़लस्तीन में सुलह हो जाए। लेकिन उनको एक टेंशन था, कि टेंशन ये था कि मुसलमानों का मामला दमिश्क का अलग है, पहल का अलग है, हम्स का अलग है, बालबक का अलग है। क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ पर जो अंबिया कराम के जो है खबरें नहीं हैं, ये फ़लस्तीन का मामला मुसलमानों की निगाह में एक अलग यूनिक मामला, क्योंकि हज़ारों अंबिया कराम यहाँ दफन है, ये बहुत बाबरकत ज़मीन है। पूरे बनी इसराइल की पहली आयत में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। फिर यहीं पर जो है मेराज जब हुआ था तो पहला सफ़र जो है मक्का से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा है, और वो हमारे यहाँ है। लिहाजा हो सकता है कि ये लोग जब गलबा पा जाएंगे तो इसके साथ जो कम्प्रोमाइज़ नहीं करें, हमारे सारे कलीसा वगैरह को ख़त्म करके वहाँ पर शानदार इबादतगाहें वगैरह बनाए। यानी दमिश्क का मामला अलग होगा इनके का और फलस्तीन का मामला अलग होगा। वो लोग ये डर रहे थे जिसकी वजह से सुलह नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों के पास क्या कि भाई दिल में बात रखने से क्या फ़ायदा होगा, चलो एक मरतबा जो है अपना जो कंसर्न है वो मुसलमानों के सामने पेश करो, अगर कबूल कर लेंगे तो ठीक है। तो उन लोगों ने अपना कंसर्न जो है पेश किया कि देखिए हम लोग सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को ये जो है रिजर्वेशन है कि अगर आप लोग दमिश्क के उसूल पर अगर शराइत पर फतह कर सुलह करेंगे तो हम लोग जो है शहर का दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हैं। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई क्यों नहीं, हर जगह जो है ये हम लोगों को तो बस अल्लाह ताला की हुक्मरानी चाहिए, आप बोला दिए। लेकिन फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं हुआ, नहीं ये मामला आपके यहाँ हम देखे हैं कि आपके मजहब में मस्जिद अक्सा का मामला या बैतुलमकद्दस का मामला अलग है, उसके अलग तरजीहात है, लिहाजा कहीं आप जो है वादा खिलाफी कर दिए। तो मुसलमानों ने मैसेज दिया कि नहीं मुसलमानों का मामला ऐसा नहीं, एक पता बोल दिए तो बोल दिए। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं चलिए एक का क्या, ऐसे भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि ये शहर फतह होना है लेकिन एक दरवेश बादशाह के हाथों फतह होना, ये तो है, लेकिन तुम लोगों में से कोई दरवेश दिखता नहीं मुझे, साहब जुब्बा पुप्पा पहने हुए हैं, कोई दरवेश दिखता नहीं है। तो ऐसे तो तुम लोग साल भर भी रहोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोगों का जो है खेती ये पानी वानी सब अंदर ही है, हम लोग आराम से तुम लोग जो है धूप गर्मी और सर्दी झेलते रहोगे। बाकिया ये हमारी किताब में है कि एक दरवेश बादशाह के हाथों फतह होने हैं, अब तुम्हारे में ऐसे तो दरवेश बादशाह दिख नहीं रहा। साहबा के राम फौरन दिमाग लोगे नहीं हमारे पास दरवेश बादशाह है, कहा नहीं इधर मदीना बैठा हुआ, का कौन, का हमारा खलीफा, वो दरवेश है। हाँ बिल्कुल दरवेशों का दरवेश है, लोग समझ नहीं पाते कि खलीफा कौन है आवाम कौन है। कहा अगर वो अपने हाथ से रिटर्न जो है अमान नामा लिख के दे दें तो हम उनके लिए खोल, खलीफा बोले वादा करे, खलीफा ले रहता है ना कि मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग की बात अलग रहती है, प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग की बात अलग रहती है। उन्होंने कहा अगर वो आकर के हमको अमान नामा लिख के दे दें और ये तमाम चीज़ों के हमारे जो सेफ्टी दे दें, हमारे कलीसा की इबादत गाह वगैरह की, तो हम उनके हाथ पर सुलह करने के लिए तैयार हैं, यानी शहर हवाले करने के लिए। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला ने फ़ौरन लेटर लिखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को, ये शहर वाले तो कब से जो बिल्कुल जो है हिम्मत हार चुके, लड़ने की तो ताकत नहीं है लेकिन डिफेंसिव पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये किला के अंदर बंद है, अब गेट खुलेगा या कोई लंबा चांस मौका मिलेगा तभी होगा। लेकिन इन लोगों की ख्वाहिश है कि अगर खलीफे वक्त आते हैं तो हम लोग उनके हाथ पर छह सुलह के लिए देता, क्या ख्याल है? उन्होंने कहा क्यों नहीं, जब जब बिना खून खराबे के एक शहर पता होने वाला है तो हमको आने में क्या करोगे, हम खुद गारंटी देते। लिहाजा उन्होंने मदीना में जो है अपना नायब हज़रत अली रजी अल्लाह तआला को बनाए और एक ग़ुलाम को लिए और सीधे एक ऊँट एक ग़ुलाम। तो बचपन से हम लोग आज तक समझ नहीं पा रहे थे कि भाई दो कम से कम दो ऊँट क्यों ना लिए, दो ऊँट लेने में क्या बना था, एक वो बैठते एक वो बैठते। मसला ये था कि उनकी किताबों में जो पेशन को ये थे कि दरवेश बादशाह, तो दरवेशी तो दिखानी भी थी ना, लिहाजा बारी बारी बैठ रहे थे। फिर भी जो है उन्होंने सेफ्टी का काम किए हैं, अब मदीना से डायरेक्ट जब फलस्तीन इधर जाते, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है जाबिया के मुकाम पर जो है पड़ाव डाले और अपने सिपह सालारों से मुलाकात के सब लोग। तो सबसे पहले यज़ीद बिन अबी सुफियान आए, हाजलो हुआ, फिर उसके बाद जो है खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, फिर अबू उबैदा बिन जर्राह आए, सब लोग मिले। लेकिन सब लोगों का जो है एक अलग ही तेवर देखे, सब लोग बेहतरीन बेहतरीन लिबास में जुब्बा पुब्बा पहने हुए एकदम, ये तो देख के दंग रह गए कि 2 साल के अंदर ये चेंजेस, बोले कि 200 साल के बाद भी अगर ये लिबास बनते ना तो मैं फौरन माजूर करता, क्या लिबास बन गया हमारे साथ, 2 साल में इतने चेंज हो गए तुम लोग। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बात यह है कि ये हथियार से सेफ्टी में और हथियार छुपाने में ये लिबास बहुत कार है, इस वजह से यानी जंग के पर्पज हम लोग पहने हैं, वरना जो है शो ऑफ के लिए नहीं दूँ। बोला अच्छा ठीक है, हथियार जंग के पर्पज से पहना तो चलो मैं माफ़ कर देता हूँ, बकिया ये तो 200 साल बाद भी अगर ऐसे लिबास बन देना तो मैं माफ़ नहीं करता हूँ, सबको भी माफ़ कर। तो यहाँ पर जो है बोले कि उन लोगों को भेजो खबर दो। तो फलस्तीन के बड़े बड़े पादरी आए, अपने किताब वगैरह से मुआयना वगैरह किया, यहाँ पर दरवेश बादशाह तो दिखता है एकदम। उसके बाद जो है ये जाबिया के मुकाम पर ही मुलाकात हुई साहबा कराम से, तो कि कम से कम जो है आप लिबास उबास बदल तो लीजिए, क्योंकि बहुत सिविलाइज कल्चर लोग हैं ये लोग, ठीक है ताकत में कम हो गए हैं, तो ये लोग क्या सोचेंगे कि हमारे बादशाह हमारे अमीर-उल-मोमिनीन ऐसे हैं, थोड़ा आप भी स्मार्ट बन जाए। उन्होंने वहाँ पर वो जुमला बोले कि हमारी इज्जत जो इस्लाम की वजह से, कपड़े की वजह से नहीं है, चलो ऐसे था। और हिस्ट्री में तो यहाँ तक आता है कि जब दाखिल हो रहे थे तो लास्ट बारी जो थी वो जब गुलाम के आगे, यानी 1 माइल जो है वो ऊँट पर गुलाम बैठता था और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पकड़ के चलते थे। अब फिर वो थक जाते थे तो वो बैठ जाते थे, गुलाम चलता था। अब ये ऐसा चलता था, अब बेचारा गुलाम जो था शर्मा भी जाता था। आखिरी जब पड़ाव तो बारी जब शहर में दाखिल होने की थी तो पता चला इत्तफाक, उसने इत्तफाक ही कही, उसकी बारी थी ऊपर, इनकी बारी थी यह पैदल चलने की। हाँ वो तो एकदम लगाम लगा दिया कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा, इस बार आप ही चलिए। उन्होंने डांट के कहा नहीं अब दौर दौर, बारी तुम्हारी, बैठ रहो। अब फिर चलने लगे। अब उनके सामने तो कौन जबान ज़्यादा हिलाता। अब उसके बाद कहीं पर कीचड़ आ गया तो जूता भी हाथ मिले, अब पाँव जो है कि मैं कीचड़ लगते हुए शहर में डांट जाबिया में देखे तो सब लोग चीख गया, उसको डांटे, लेकिन उनके सामने कौन डांट सकता था कि भाई मैंने बोला। इस तरह से ये दरवेशी का मामला था। तो लिहाजा वो फ़ौरन जो है फ़लस्तीन के जो ईसाई लोग थे वो फ़ौरन कहे हाँ ये तो हैं, इनके हाथ में होना है। यहाँ तक बोले कि आप सुलहनामा लिख के दे दीजिए हमको। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला हमको लिख के दे दिए कि ये सुलहनामा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह का बंदा उमर फारूक की जानिब से इलिया वालों के, वो लोग जब फतह किया थे तो इलिया इसका नाम होते। और यहाँ पर इनके जान माल इज़्ज़त आबरू इबादत का सब के अमान नामा लेके दी जाती है। कोई भी इनको ना तोड़ेगा ना इनको जो है बदल करके जो है इबादत गाह में तब्दील करेगा। ये सारे डिटेल लिख करके दे, वो लोग लिखे, साइन लिए। अब्दुलरहमान बिन औफ ने साइन किए, अबू उबैदा बिन जर्राह ने साइन किए, ये सब साइन करके पीछे। फिर बोलेगा आप चलो दरवाज़ा खोल दो, आइए मोस्ट वेलकम। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामिया से फ़लस्तीन अंदर आए। अब यहाँ पे आए हैं बैतुलमकद्दस, वो कुरान में तो कब से जो है और बार बार पहले भी आते थे, लेकिन अब फातहाना अंदाज में आए हैं। तो आने के बाद जो है जहाँ पे मस्जिद अक्सा है जो हैकल सुलेमानी थी, वो तो बिल्कुल खंडरात बने हुए थे, कूड़ा करकट की जगह बनी हुई थी, मस्जिद तो थी नहीं। मस्जिद अक्सा मतलब जो आपका सवाल जहन में आएगा कि ये जो मक्के में कुरान नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने कहा कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, तो मस्जिद अक्सा तो 70 ईस्वी में तोड़ ताड़ दिया था रोमन टाइटस ने। तो मस्जिद अक्सा आए कहाँ से? तो अक्सा माने दूर, दूर वाली मस्जिद, यानी टूट गई थी लेकिन उसका ढांचा तो मौजूद था। तो इस लिहाज से जो है वो बिल्कुल जो कूड़ा करकट के थे, लेकिन वहीं पर जाकर के वो दो रकात नमाज पढ़े। फिर सुबह हुई, रात में दाखिल हुए थे। सुबह में जो है उनका एक बहुत बड़ा कलीसा था उमामा नाम, तो पादरी लोगों को बोले कि भाई थोड़ा कलीसा घुमाओ मुझे, तो आप भी जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई इसको घुमाओ उसको घुमाओ। तो पादरी लोग घुमाने लगे अपना कलीसा जो सबसे बड़ा था। तो घुमाते घुमाते जब जो है खूब शहर भर जो है घूम लिए तो अचानक जो है नमाज का टाइम हो गया। अब हजरत फारूक रज़ी अल्लाह ताला दाएं बाएं देखने लगे, भाई टाइम हो गया मेरे नमाज का, तो मैं थोड़ा नमाज पढ़ लेता हूँ। तो कलीसा बहुत बड़ा था, वो समझ गए कि नमाज के लिए बेचैन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि यहीं पर नमाज पढ़ लीजिए, क्या है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं मैं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि अगर मैं आज नमाज पढ़ दूँ ना तो कल मुसलमान लोग जज्बात में आकर के जगह छीन लगेंगे, वहाँ कहेंगे हमारे खलीफा ने नमाज पढ़ी थी लिहाजा यहाँ पर मस्जिद बनी, लिहाजा मैं ऐसा नहीं करने देता। तो फिर दूर बाहर के जाकर के सीढ़ी पर नमाज, अब सीढ़ी पर भी नमाज पढ़ने के बाद उनको डाउट हुआ कि कहीं सीढ़ी न कब लगे। फिर लिख करके उनको दिए कि देखो मुसलमान न यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं न अजान दे सकते, इतना ज़्यादा किया। फिर वहाँ पर ये फिर पादरी ही से पूछे कि देखो मैं अब आया हूँ, पता नहीं कब आऊँगा दोबारा, अब हमारे कमांडर वगैरह यहाँ पर रहेंगे, तो मुझे ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा यहाँ पर एक मस्जिद बना के बुनियाद बना के डाल के चला जाऊँ, मशवरा दो कि कहाँ पर मस्जिद अच्छी रहे। तो उन्होंने कहा कि सखरा के मुकाम पर जाके नमाज पढ़ मस्जिद बना लीजिए। सखरा जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है अभी, जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट ऊपर गए थे, बोले वो जगह पर बना लीजिए आप एक मस्जिद शानदार से। लेकिन जब गए तो वहाँ पर पता चला कूड़ादान बना हुआ, मसाज किए कूड़ादान पे तुम मुझको मस्जिद बनाने के लिए, कहा यह कूड़ादान है लेकिन ये है बहुत मतबर्रक जगह, भाई मतबर्रक जगह तो इसको कूड़ादान क्यों बना दी, क्या है मतलब बताओ। बोले कि यहीं पर याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो है कलाम किया। ये बहुत मतबरक है, तो कूड़ादान क्यों बना दिए? तो वो बोले वो तो यहूदियों से जो है दुश्मनी के इसमें, उनके मतबरक है ना, याकूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल चली है, उनको चुड़ाने के लिए हम लोग जो उनके मुक़द्दस जगह को कूड़ादान बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि उन्होंने भी हमारे सलीम की जगह को कूड़ादान बनाया है। तो आप जानते हैं मसला की जो है मजहबी अख्तिलाफ में जो आदमी क्या से क्या भूल जाता है। जहाँ पर जो ईसा अलैहिस्सलाम को रसूली दिया गया था वहाँ पर जो कूड़ादान बना दिया था, सारा कचरा वहीं फेंका जाता था यहूदियों की तरफ से, ताकि ईसाइयों को चुराया जाए, उनको तकलीफ दी जाए। अब उसके बदले में ईसाइयों ने जो है वो बैतुल सखरा को कूड़ादान बना दिया था ताकि यहूदियों को चुराया जाए कि तुम्हारे नबी जो है जहाँ पर अल्लाह ताला से कलाम किए थे वहाँ पर कूड़ा फेंक। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने दिल से तड़प गया और ना अपने दामन में उठा उठा के कचरा वहाँ से जैसे फेंकना उठाना था कि सारे लोग जो है भिड़ गए उसमें। और फिर फ़ौरन उसको साफ़ किया गया और फिर वहाँ पर जो है एक मस्जिद जो है तामीर की गई जिसका नाम मस्जिद अक्सा। तो ये जो है जहाँ पर ये हुआ, फिर मस्जिद अक्सा की जगह भी जो है कूड़ेदान थी बिल्कुल पूरे की। मस्जिद अक्सा जो थी हैदर सुलेमानी वो कहाँ सारे वो जो कूड़ादान है ना वो वहीं पे। फिर वहाँ पर गए उनको सफाई उफाई के लेकर उस वक्त मस्जिद नहीं बनवाया, बाद में मस्जिद। तो इस तरह से जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी शाम के सफ़र से जो है वापस मदीना आए और पूरा बैतुलमकद्दस जो है फ़तह हो गया। तो इस तरह आज जो है हम लोग जो है चार पांच चीज़ जो है देखें। नंबर एक, मदीना से एक फौज गई थी जो यरमूक में कन्फ्रंट होने के बाद जो है दो तरफ फौजा गई, एक दमिश्क की तरफ और एक फहल की तरफ। फहल की तरफ जो है फौज के इंगेज किया गया और दमिश्क में जो है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु गया खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, और जो है मुकाबला जो है 50-50 रहा, आधा सुलह आधा फतह, फिलहाल इसको सुलह ही माना गया। उसके बाद जो है फौज कहाँ आई? फहल की तरफ, और इसको भी जीत लिया गया। इसके बाद जो है हम्स के तरफ रख दिया। हम्स को भी जब जीत लिया गया तो फिर जो है फ़लस्तीन की तरफ आया। अब फिर फ़लस्तीन को भी जब जीत लिए तब जो है अंताकिया की तरफ जो है गए। ये इंशाअल्लाह जो है हम आगे हफ्ते जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक मौका ऐसा आया कि हम्स में जब थे तो ये रक्त जो था हम्स से भाग गया अंताकिया, और जब देखा कि इधर भी फौज जो है दौड़ाए। अब ये पूरा सेहरा जिसमें अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला ने पूरी फौज फैला। और अब तो जब बड़े बड़े शहर नहीं बचे तो छोटे छोटे गांव क्या बचे? यहाँ से पूरा सेहरा वगैरह फतह हो गया, यहाँ तक अंताकिया का भी घिराव। अंताकिया के घिराव किए कि यहाँ सेहरा का भागा उस दुनिया तब है जान बचे तो लाख पाए। और जो है देखा जाएगा शाम को दोबारा फतह हुआ। अंताकिया जब फतह हुआ तो ये जो था रोमन अंपायर का, ये समझे कि एशिया का कैपिटल। यहाँ पर आने के बाद जब उसके दिल से हसरत निकली, क्योंकि हरकल का अपना जो है हर साल वो विज़िट करता था, शाम बैतुलमकद्दस आता था, यहाँ के आबो हवा वगैरह बहुत ज़बरदस्त। रोमन अंपायर के लिए भी, मक्के मदीने वालों के लिए, बेचारे रेगिस्तान में रहने वाले आए, इनको ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही है, बेहतरीन जो है, तो दोनों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त समझे कि बम्बई इंडिया, तो दोनों के लिए बहुत। अब यह हर साल आता था, आने के बाद जब जाना होता था, जैसे हर हाजी लोग हज करने जाते हैं फिर वापस आते हैं तो हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। तो हमेशा जो है जब बैतुलमकद्दस का हज करके वापस जाता तो एक हसरत भरी जो है गदा के मुसाफिर का सलाम कबूल हो, ऐ शाम आप जा रहे हैं, इंशाअल्लाह दोबारा आएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ आ जाए तो उसका दिल तो भरता नहीं है, लेकिन जाना है, लेकिन हम वादा करते हैं कि फिर आएंगे। लेकिन इस बार जो अंताकिया से उसको जाना पड़ा है मुस्लिम दुनिया, तो इस बार वो मुकाम शमशाद पर खड़े होकर कहता है कि रुख्सत होने वाले का सलाम, और ये एक ऐसी जुदाई है कि इसके बाद अब मिलना मुनासिब है नसीब नहीं है। तो यहाँ से बेचारा जब समेट करके चला गया, अंताकिया भी फतह हो गया, और फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला पूरा ही फतह कर, इतना फतह किए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को मुझसे जो उनके तारीफ के कलमात निकालें, क्योंकि ये जो है बराबर जो टक्कर चलता रहता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला हो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु की नेकी को जैसे फेवर करते, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ग्राउंड रियलिटी के बेस पर जो है हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को ज़्यादा लाइक करते, मतलब प्रमोट करते थे कि जंग में असल इनका काम है। अब यहाँ पर जो है मसला आया, जब ये सब पूरा फतह हो गया तब बोले कि मान गए खालिद, उसने साबित कर दिया कि वह जो उसको रुतबा दिया यानी अपने दोस्त की तरफ इशारा था, वो उसके डिजर्विंग, जहाँ जाते हैं वो फतह है। और मैं भी फिर अपना क्लियरिफिकेशन भी दी तो भाई मैं भी जो उनको माजूल किया था तो उनकी किसी लैकिंग की वजह से नहीं किया था, बल्कि लोगों का कॉन्फिडेंस उन पर इतना हो रहा था कि जो उधर फौज भेजने के लिए तैयार हो कि भाई इधर फौज जा खालिद बिन वलीद रहेंगे सिपह सालार फटाफट नाम लिखा देते हैं, इधर कहता हूँ कि इधर चलना है लेकिन इधर सिपह सलार दूसरे रहेंगे तो सब मंडी को लेते हैं। तो ऐसा लगता था कि जो है फतह और शिकस्त का दारो मदार जो इनको बना दिए हैं, यानी अल्लाह पर भरोसा कम होता जा रहा और इन पर जो है फर्क ये होता जा रहा कि इस बुत को गिराना तो मेरी जिम्मेदारी थी, लिहाजा बीच मैदान में मैंने इस बुत को गिराया। तो मैंने खालिद को किसी जो है दुश्मनी के बेस पर या किसी लैकिंग के बेस पर माजूल नहीं किया था, बल्कि इस बुत को तोड़ने के लिए किया था कि फतह और शिकस्त जो है ये अल्लाह की नुसरत की वजह से होती है, किसी की क़यादत की वजह से नहीं होती। देखो हुआ कि नहीं, फिर हुआ। तो इस लिहाज से जो है यहाँ पर पूरा जो है फतह हो गया। अब इसके बाद जो है इधर मामला ईरान का क्या था और मिस्र का क्या हुआ वो नेक्स्ट हफ्ते में जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैं एक साथ जो है पूरा ये कर लिया, तकरीबन समझिए ये 16-17 हिजरी तक जो है हम लोग पहुँचे। तो 13 हिजरी में जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से गए हैं और 13 हिजरी में ये बने हैं, तो 4 साल का इनका दौर हुआ है। इधर कासिया भी जो ये जीत चुके हैं, यरमूक बल्कि पूरा शाम जो जीत चुके हैं, यरमूक जो पहले हैं और कासियाबाद 636 में, पिछले मरतबा में जो 636 लिख दिया था, अभी देख कर कितने लोग चिल्लाएंगे तो 636। इससे पता चला सब लोग कमेंट्स में भी लिखते रहते हैं कि नहीं 636 336 कैसे लिख दिए, तो मैं कहा वो जो है स्लिप ऑफ द टंग भी होता है, स्लिप ऑफ द पेन भी होता है, तो दोनों हो गया था। तो इससे मुझे खुशी हुई कि यूट्यूब पर सब लोग गौर से जो है लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे भगा भगा के नहीं देखते। लिहाजा 636 था और इतने बड़े 1 घंटे के लेक्चर में तो इतनी बातें तो हो ही जाती। इस लिहाज से 636 में जंग यरमूक भी है और 636 में जो है जंग कासिया भी, लेकिन 6 महीना पहले यरमूक है, 6 महीना के बाद जो है वो कासिया। अंग्रेजी महीने के लिहाज से दोनों ये हो जाता, वरना जो है उर्दू महीने के लिहाज से जमात आखिर में जो है यरमूक हुई है और मुहर्रम में जा करके 14 मुहर्रम में जा करके वो कासिया हुई। लेकिन रिजल्ट बड़ा डिफरेंस था। रिजल्ट ये था कि जंग यरमूक में मुसलमानों के 3000 की शहादत हुई, लेकिन जंग कासिया में 8000 की शहादत। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये सहाबा किराम इतने दरवेश थे, फिर भी ये लोग जो है यहाँ जाना क्यों देते थे? भाई इनको दुनिया की गरज ही नहीं है, दुनिया चाहिए ही नहीं। आप जानते हैं कि इसमें क्या हुआ था मामला, जब यहाँ पर आए उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, गुड न्यूज़ सुनते ही चले जा रहे थे, फहल फतह, दमिश्क फतह, हम्स फतह, अंताकिया फतह, फलस्तीन फतह, जाबिया फतह, बैतुलमकद्दस फतह, सब फतह। खुशी होकर के जो है अपने सिपह सालार से, चीफ कमांडर कौन थे, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो उनसे थोड़ा आप जो है फ्रेश हो जाता आदमी, जब साय ऑफ रिलीफ रहता तो थोड़ा सा इंजॉय भी करते हैं। बोले कि अब वो वैसा घर उठने नहीं जाते, कुछ खिलाओ लाने कर रहे हो, अब एक ही लेवल के थे तो थोड़ा हंसी मजाक में बोले कि घर उठ लेने जा रहे हो, तब से जो है हम लोग मस्जिद या वॉर रूम में बैठे हुए हैं, इन्वाइट नहीं कर रहे हो कुछ। उन्होंने कहा आप हमें रुलाना क्यों चाहते हैं? भाई रुलाना क्या, दोस्त का दोस्त का हक नहीं होता क्या? नहीं मैं तो जाऊँगा, फिर नहीं ले जाना चाह रहा तो मैं ज़बरदस्ती जाऊँगा। कहा आप मत रुलाइए मुझे, नहीं आप तो मैं जाऊँगा, आप ले चलो मुझे। चलिए जब गए हैं उनके घर में तो पता चला कि जो है मतलब चमड़े के बर्तन में थोड़े से जो पानी और जो है कोने में जो है सूखी रोटी पड़ी और बस हथियार हो गए, हाल है जैसा है ये, लेकिन तायुश के लिए बस सूखी रोटी थी और जो है पानी। तो जब वो बोले कि अब अभी तो पूरे निगाह नहीं दौड़ाए थे, बोले पेश करो जो है दिल में करते हुए गया कि मांग रहे थे क्या करें, तो सूखी रोटी लेके आए और बड़ी मुश्किल से जो है झोला वगैरह में से तलाशी उलाशे तो कुछ सूखी खजूर, 2-3 खजूर पेश कर पाए, सूखी रोटी पेश कर पाए और आंखों से आंसू निकल गया कि इतने बड़े खलीफा हैं इनका कुछ नहीं पेश कर सकते। लेकिन उनसे ज़्यादा तो उमर फारूक हो। फिर वहाँ पर हिस्टोरिकल अबू उबैदा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको टाइटल दिए थे 100% साफ, क्योंकि यमन से एक काफिला आया था, उसने कहा था कि मुझे कोई जो है टीचिंग करने वाला आप अपना साहब दे दीजिए जो हमको पढ़ाया करें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू उबैदा जाओ तुम, क्योंकि ये हम हर उम्मत का एक अमीन होता है और ये मेरी उम्मत का ये अमीनुल उम्मा उनका मतलब ये टाइटल। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उनको बरजस्ते वो रोटी और सूखे खजूर दे के बोले कि अबू उबैदा हालात यानी फतह के हालात ने हम में से हर एक को बदल दिया, सिवाय तुम हालात का कुछ असर नहीं होता, यानी उनके बाद उन्हीं का नंबर था। ये बिल्कुल फैक्ट था कि अगर उनकी ज़िंदगी के बाद अगर वो जिंदा रहते तो तीसरे खलीफा वही बनते, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सकीफा बनी सादा में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने पहले इन्हीं पे हाथ उधर कर, इतनी बड़ी अब यकीनी बात है कि आदमी मजबूर होता है, लेकिन इन लोगों को लाइफ से कुछ लेना ही देना नहीं था, दाइश से लेना देना नहीं था, फैसिलिटी से लेना देना नहीं था, तो फिर ये क्या कर रहे थे? ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए सहाबी, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, उनकी जिम्मेदारी थी कि दुश्मन की जो जबर से, दुश्मन के जुल्म से बंदे को आज़ादी दिलाई, ताकि वो आज़ाद होंगे तब तो चाहेंगे तो अल्लाह के गुलामी अख्तियार करेंगे, चाहे तो नहीं करेंगे। और जब किसी कोई बंदा बंदे की गुलामी में झगड़ा रहेगा और उसके पास फ्री विल होगा ही नहीं, और उसको कहेंगे कि रब को खुदा मानो और उसकी बंदगी अख्तियार करो, वो कहेंगे ये फला आका तो जो छोड़ता ही नहीं है। लिहाजा इन लोगों की जो जिम्मेदारी थी, यही वजह है कि जब अंताकिया से जो है कैसर जो है वहाँ चला गया है तो वो कन्फ्यूज था बिल्कुल, इतनी बड़ी तादाद, इतनी मुस्तकम हुकूमत, अरब के बद्दू जो कल के खांदे के बांधे थे आज ये पूरे शहर के शहर कैसे उलट देते, क्या रीज़न? उसको समझ में नहीं आया। तो इत्तेफाक से जो है फलस्तीन यहाँ पे उस दुनिया में जो है एक रूमी कैदी जब किसी तरह मुसलमानों के चंगुल से निकल के भाग, अब भाग करके जो है उस दुनिया पहुँचने का वापस सेफ जोन में आ गया। तो कैसर ने उसको बुलाया, भाई इधर आ। अब बुलाने के बाद उससे पूछा कि भाई थोड़ा डिटेल में मुझे बता कि आखिर मुसलमानों में क्या खूबी है जो हर जगह ही वो जीतते, क्या हमारे यहाँ फौज में तो कोई कमी नहीं है, ना हथियार की, ना तदबीर की, ना क़यादत की, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आखिर हर जगह डिफीट हुई क्यों? यकीनी बात है सामने वाले का अंदर क्वालिटी है, क्या हो रही है बताओ। तो वहाँ देख के आना, उसके घर में रह के आए हो, तो पहले तो जेल होते नहीं थे, साथ साथ चलते थे। तब उसने कहा कि ये लोग जो है दिन के शहसवार रात के इबादत गुजार होते हैं, ये लोग जिस शहर को फतह कर लेते हैं बिना कीमत पैसा दे, किसी का ₹1 हाथ नहीं लगाते हैं, ये लोग जो है बिल्कुल अमानतदार होते हैं, एक मरतब कमिटमेंट दे दिए पत्थर की लकीर, लेकिन जिस दुश्मन से अड़ गए तो जब तक वो हथियार न डाले वो जो है चाहे जान दे देते हैं या जान ले लेते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं। ये लोग रात जो है ये शराब व कबाब में नहीं गुजारते, जिस इलाके में डाले उसके जो इज्जत इफ़्त के ताबा बर्बाद भी, ऐसा नहीं है, इनकी रातें इबादत में गुजरती और दिन जो है घोड़े की पीठ पर गुजरती। ये जो नक्शा है कुरान का और ये जो नक्शा सीरत नबी का, सीरत सहाबा का, आज आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं। यही वजह है कि हमारे सवाल का एक पर्सनालिटी में, एक कैरेक्टर में ये कैरेक्टर आता ही नहीं। कोई मस्जिद में है तो वो मस्जिद ही में जो है बराजमा बर्फ़ की तरह जमा पिघलने के लिए तैयार, आपको यह है मैदान में है तो मैदानी। आप देखिए साहबा किराम का नक्शा, अगर आप इन शॉर्ट देखेंगे तो एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में तलवार। कुरान को नाफिज होना है, अगर सही से मान गए तो फतेहा, नहीं तो फिर यह है, सीधे उंगली से अगर ये घी नहीं निकलेगी तो फिर क्या करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे नहीं दुनिया सेकुलर है भाई, सबको एडजस्ट करके लो, भाई दुनिया सबको एडजस्ट करके लो, जब सब सही सही रहेगा तब एडजस्ट करके लिया जाए। लेकिन अगर कोई टीचर जो है 2-2-5 पढ़ा रहा है और दूसरा टीचर है 2-2-7 पढ़ा रहा है और तीसरा टीचर 2-2-9 पढ़ा रहा है और सारा टीचर बच्चे को गलत तालीम दे रहा है और आपको मालूम है कि 2-2-4 होते हैं, तो आप क्या सबको कहेंगे अच्छा 4 दिन ये पढ़ाओ, 4 दिन वो पढ़ाओ, 4 दिन वो पढ़ाओ? क्या आप कहेंगे नहीं, अगर हमारे पास ताकत है तो हम नहीं पढ़ाने देंगे 2-2-7, हमारे पास ताकत है तो 2-2-5 नहीं पढ़ाने देंगे, 2-2-4 होता है, तुम बच्चे की लाइफ बर्बाद करो। ये लोग क्या जितने भी इस्लाम के अलावा हैं ये लोगों की आखिरत बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इनको लाइटली कैसे लिया जा सकता? इनके दरमियान जो है पीसफुल कोई एग्जिस्टेंस की कोशिश कैसे की जाए? हक हक है, बातिल बातिल है। तो आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि हक बात मानो, बातिल को अपना करो। और बस पहले शुरुआत होगी समझाने से, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 2 दिन आप हमें समझाए, 4 दिन हम आपको समझाते हैं। भाई 2-2-4 होता है तो 4 पढ़ाओगे तो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन 2-2-5 पढ़ाओगे तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ताकत नहीं रहेगा तो अपोज करेंगे, उससे भी कम ताकत रहेगी तो दिल में बुरा जानेंगे। लेकिन अगर ताकत आ जाएगी तो हम टीचर को जो है दिमाग ठीक कर देंगे कि 2-2-4 ही तुमको पढ़ा। तो इस लिहाज से पूरी इंसानियत के जो है ज़िंदगी को दाव पे लगा करके आप उनको जो है आग में झोंकते छोड़ते चले जा रहे हैं और आप कह रहे कि नहीं हमको तो मिल गया ना सच्चाई। ऐसा नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो साहबा किराम पहुँचाने गए। ये रोमन अंपायर पर्शियन अंपायर को उलटना उनकी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने जान पर खोल करके बल्कि जान कुर्बान करके किए। लेकिन आज का जो दौर है ये कम से कम हम लोग दावत भी जो पेश नहीं करते, गैर मुस्लिमों तक, क्रिश्चियन तक, नॉन मुस्लिम तक जो है कुछ भी नहीं पेश कर। आराम से ऐसा लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है और हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाला ही नहीं। बींग मुस्लिम बीज मतलब मुसलमा, हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी है खाओ बगाओ और ऐश में जिंदगी, दुनिया में जिंदगी में फलो फूलो फैलो जितना हो सकते हैं, जायदाद बनाओ, औलाद को कामयाब करो, यही जिम्मेदारी। अब कुरान से जाकर पूछे तो कहेगा नहीं तुम तो सिलेक्टेड उम्मत हो, चूजन उम्मत हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और थी। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना याद करने के लिए तो तैयार है, अब कोई याद दिलाए तो ना कोई जागने के लिए तैयार है। तो फिर उम्मत मुसलमान जो है कैसे दुनिया में सुरखुरू होगी, और दुनिया में सुरखुरू होगी तो आखिरत में कैसे सवाल पैदा हो सकता है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह-ए-हुदैबिया के बाद ईमान लाने के बाद घर में बैठ जाते तो वो मुकाम पाते। अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे बाजों में इतनी ताकत है कि रोमन अंपायर को उलट सकते हो, लेकिन घर से निकलो तो सही। क्या पता कि हम में से कौन खालिद बिन वलीद बैठा या उसकी जीरोस कॉपी, लेकिन भूत निकलेगा तब तो पता चलेगा कि इनके अंदर खालिद बिन वलीद छुपा हुआ था, इनके अंदर अबू उबैदा बिन जर्राह छुपे हुए थे, इनके अंदर शुरहबील बिन हसना की सलाहियत थी, इनके अंदर यज़ीद बिन अबी सुफियान की सलाहियत थी। घर में बैठे रहने से तो नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से हम तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि मौत आने से पहले जाग। असल जो है वो ज़िंदगी है जो आदमी खुदा के रास्ते में जो है लगा कर गई, और मौत तो आनी है जिस स्टाइल में फिक्स है उसी स्टाइल में आनी है। खामखा बचा करके क्या बचा, जो मुकद्दर में है वही लिखा, जो पत्थर के लगी रहे। मैं अभी कुछ बोलूँ जो लिखा होगा वही होगा, लिहाजा जो हक बात है उससे बोलने से बचा करके हम क्या बचाते हैं। तो इस लिहाज से एक छोटी सी ज़िंदगी मिली है, इसको अमर करने का एक ही फार्मूला है कि इस ज़िंदगी को खुदा के मर्ज़ी के मुताबिक बल्कि खुदा के रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक लगा दीजिए, फिर आखिरत में जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे आप लोग। लेकिन अगर इस ज़िंदगी में अगर डंडी मार दिए तो फिर अल्लाह ताला जो है एक दिन की भी सज़ा दिया तो अल्लाह ताला का एक दिन आज़ाद है तो कौन झेल पाए। इस लिहाज से बड़ी अफसोस की बात होती है कि दीनी लेक्चर होते हैं, कुरान को सिखाता है, कोई करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तो रोज़ाना हर हफ्ते फ़ोन करता हूं आप लोगों को, तो आप लोग जो है अपने आप को खुदा से अकेले में बात कीजिए, वादा वहीद कीजिए, डिटरमाइन होइए कि जो भी अल्लाह ताला ने टूटी फूटी सलाहियत दिया उसको परवान चढ़ाने, उसको निखारने की सलाहियत दे, और फिर अगर सलाहियत हो जाए तो फिर उसको तेरे दीन के लिए लगाने के लिए उसको कबूल दे, तौफीक दे। इंशाल्लाह यकीनी बात है कि अगर ऑनेस्ट दिल से अगर अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल करेंगे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो जंग-ए-उहद में मुसलमानों के शिकस्त के सबब बन चुके थे, उन्होंने जब खुदा को अल्लाह ताला को जो ऑनेस्टली पेश किए तो अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया, सैफुल्ला बनाया कि नहीं बनाया। तो फिर हम लोगों को अल्लाह ताला कबूल क्यों नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला से हम लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी इस्लाम के गलबे के लिए, सरबुलंदी के लिए, सुरखुरुई के लिए कबूल कर ले, और जो भी लविशें हों अल्लाह ताला उसे दरगुजर का मामला फरमाए। बल्कि हमारे लिए तो बहुत आइडियल होता कि अगर हम लोग ज़िंदगी में कोशिश करके इंसानियत का एक बहुत बड़े चंद को जो है जहन्नम से बचा लेते, इफरात और तफरीत के धक्के से बचा लेते, और शैतान के चंगुल से निकाल करके उसको रहमान के दामन मिला देते, ताकि उनकी दुनिया भी जो है इज्जत के साथ गुजरती और आखिरत में जन्नत उनकी मुकद्दर होती और जहन्नम के आग से बच जाती। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इंसानियत को राह रास्त पर लाने के लिए ज़रिया बनाए, और उसके बदले में हम लोगों को उसके जो है अमाल हो तो सबके जारिया के तौर पर जो है अल्लाह ताला हमारे लिए कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह व हमदिही सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका। एक ऐलान है